हेलो एवरीवन, इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सिन से रिलेटेड, और इसके बाद के जितने भी वीडियोज़ होंगे उसमें मैं फ़ाइटो हार्मोन्स ही पढ़ाने वाली हूँ, बिकॉज आपको आपके जो लगभग सिलेबस है उसमें 8 to 9 फ़ाइटो हार्मोन दिया गया है, और जो पोर्शन आपको स्टडी करना है वो है इनके बायोसिंथेसिस, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी मोड ऑफ एक्शन, और इनका क्या इफेक्ट होता है, मतलब समहाउ व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ दीज फ़ाइटो हार्मोन। इससे ज़्यादा आपको डील नहीं करना है, लाइक जितना CSIR NET के सिलेबस में होता है उतना सब कुछ डील नहीं करना है। तो इसलिए हम जो है बाउंड्री लाइन पे लेकर सारे के सारे टॉपिक को चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा उसमें मेनली हम ऑक्सिन के बारे में डील करने वाले हैं। इसके बाद के जो वीडियोज आएंगे वन बाई वन करके हम उसके बारे में भी डील करेंगे, जितने भी फाइटो हार्मोन हैं हमारे पास। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द ऑक्सिन। ओके, तो ऑक्सिन को सबसे पहले जो है डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और इसका जो डिस्कवरी मतलब मेनली अगर कहें एरिया के बारे में, ठीक है, तो प्लांट का जो टिप एरिया होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे आपके सामने प्लांट ड्रॉ करती हूँ, तो दिस इज़ अ प्लांट। ओके, तो ये जो टिप एरिया होगा यानी शूट टिप एरिया, या दैट इज योर आप कह सकते हो एपिकल पोर्शन, ये वाले एरिया में ज़्यादा सिंथेसाइज होता है, दैट इज ऑक्सिन। लेकिन साथ साथ में ये भी देखा गया कि एक माइनर बेसिस पे, ठीक है, माइनर बेसिस पे प्लांट के पूरे बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो अबंडेंट एरिया है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एरिया है, दैट इज साइट ऑफ सिंथेसिस, इसे हम मेनली एपिकल मेरिस्टेम मानते हैं। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम मेनली होता है, शूट में भी प्रोड्यूस होता है, रूट एरिया में भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन कंपैरेटिवली हर एक एरिया को अगर कंपैरिजन बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो शूट एरिया में सबसे हाईएस्ट अमाउंट में होता है, एंड दैट इज़ वाई हम मेजर तरीके से कहते हैं कि इसका सिंथेसाइजिंग लोकेशन दैट इज शूट एरिया होता है। फाइन, इसका प्रिंसिपल रोल क्या होता है, दैट इज इनलार्जमेंट ऑफ द प्लांट सेल। तो इनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है, कोई सेल अगर उसका साइज इतना है तो कुछ टाइम बाद जो है उसके साइज को इतना कर दिया जाएगा, राइट, दैट इज व्हाट कॉल्ड द इनलार्जमेंट। इसके अक्रेंस की बात करें तो ये नेचुरली भी प्रेजेंट रहता है, मतलब प्लांट इसको अपनी बॉडी में भी प्रोड्यूस कर सकता है, एज वेल एज हम इसे लेबोरेटरी बेसिस पे सिंथेटिकली भी डिराइव कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। नेचर की बात करें तो इसको डिराइव किया जाता है इंडोल कंपाउंड से, और हमारे पास भी ऐसा एक अमाइनो एसिड है जिसमें इंडोल ग्रुप पाया जाता है, जिसे मेनली हम क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के पास एक इंडोल ग्रुप है, यानी हम क्या ये कह सकते हैं कि ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड इज एक्टिंग एज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द ऑक्सिन बायोसिंथेसिस, राइट। तो अगर हम नेचुरल ऑक्सिन की बात करें जो कि प्लांट में खुद प्रोड्यूस होता है, तो इसका नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये अपना रोल प्ले करता है प्लांट में। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ऑक्सिन का मतलब ही क्या होता है, ऑक्सिन का मतलब होता है टू इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होना। तो इसीलिए जिस प्लांट में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन अच्छा खासा होता है उसका एपिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, मतलब अगर मैं ये प्लांट बनाती हूँ, ठीक है, अगर इसमें मैं कहती हूँ नॉर्मल ऑक्सिन है, नॉर्मल ऑक्सिन, और इसी के बगल में अगर मैं एक ऐसा प्लांट बनाऊँ जिसमें ओवर एक्सप्रेस हो रखा है, हद से ज़्यादा ऑक्सिन है, तो आप बोल सकते हो कि जो एपिकल पोर्शन होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई इसको ऐसा नाम दिया गया है, बिकॉज जिसमें भी ये प्रेजेंट रहता है जो इंक्रीज हुई है, इसी को हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। और तो इसके बारे में हम फंक्शन में भी पढ़ेंगे, तो इसे हम कहते हैं मेजर तरीके से दैट इज एपिकल डोमिनेंस। तो आई होप ये जो इंट्रोडक्टरी स्लाइड है ये आप लोग को अब क्लियर हो गई होगी। इसके बाद का जो एरिया आता है इस पे ऑलरेडी गेट जो है पिछली बार भी क्वेश्चन पूछ चुका है, उससे पिछली बार से पिछली बार भी पूछ चुका है, ठीक है, और वो है ये लिस्ट। इसको याद रखना थोड़ा नहीं ज़्यादा मुश्किल है, बट समहाउ इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है नेचुरल ऑक्सिन कौन कौन से हैं एंड सिंथेटिक ऑक्सिन कौन से हैं। तो इसे आप आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से इसे आप सिंथेसाइज कर रहे हो, और ये जो नेचुरल ऑक्सिन है ये प्लांट की बॉडी में सिंथेसाइज होता है। तो आप नाम देख सकते हो, दैट इज नेचुरल ऑक्सिन में इंक्लूड हो जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, 4 क्लोरो
इंडोल 3 एसेटिक एसिड दैट इज CLAA. नेक्स्ट है फिनाइल एसेटिक एसिड PAA, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड IBA एंड इंडोल 3 प्रोपिनोइक एसिड दैट इज IPA. ठीक है, तो इस तरीके से 5 टोटल नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन आपको देखने को मिल जाते हैं. साथ ही साथ यहाँ पे सिंथेटिकली भी डिराइव किए जाते हैं, जैसे कि हो गया 2,4-D, ओके, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो कि हर्बिसाइड्स की तरह यूज होता है. फाइन, नेक्स्ट है अल्फा नाप्थलिन एसिटिक एसिड दैट इज अल्फा NAA, ये रूटिंग पाउडर की तरह काम करता है. थर्ड है दैट इज 2-methoxy-3,6-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, जिसे हम शॉर्टकट में डाइकैम्बा भी कहते हैं, और ये एक एक्टिव हर्बिसाइड्स है, यानी हर्ब्स को एरिया से रिमूव करने में हेल्प करता है. जिस भी एरिया में अगर हम इसका एप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ पे ये हर्बिसाइड्स की तरह काम करेगा. फोर्थ है 4-amino-3,5,6-triclorpiclonic एसिड, जिसे हम टॉडन या फिर पिक्लोरम भी कहते हैं, ये भी एक एक्टिव हर्बिसाइड है. एंड द फिफ्थ इज 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड दैट इज 2,4,5-T. एंड एज पर आई रिमेंबर, आई थिंक गेट वालों ने शॉर्टकट में पूछा था, मतलब ये जो नाम आपको शॉर्टकट में दे के रखा है ना, इसी को देकर पूछा था आई गेस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. एनीवेज हम क्वेश्चन तो करेंगे ही, तो देख लेंगे कैसे पूछा था, बट यस समहाउ उस पर क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, क्योंकि ये वाला एरिया फेवरेट एरिया बन जाता है गेट का, तो मैं यहाँ पे एक बार स्टार मार्क कर दे रही हूँ इंपॉर्टेंट के तौर पे. हो सकता है इस बार इसमें से कुछ और चला है, हो सकता है ना भी आए, ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है. ओके, तो ये हो गई लिस्ट. अब हम बात करते हैं ऑक्सिन के बायोसिंथेसिस के बारे में. तो ऑक्सिन को सिंथेसाइज करने के लिए वेरी ऑब्वियस प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है. यहाँ पे जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल हेल्प करता है उसका नाम है ट्रिप्टोफैन, जो कि एक अमाइनो एसिड है. अब जो ऑक्सिन होते हैं उनको सिंथेसाइज करने के टोटल 2 पाथवे हैं. एक है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट, जहाँ पे ट्रिप्टोफैन इन्वॉल्व होता है, और एक होता है ट्रिप्टोफैन इनडिपेंडेंट. ट्रिप्टोफैन इनडिपेंडेंट जो होते हैं म्यूटेंट्स ऑफ बोथ मेज एंड अरेबिडोप्सिस, तो मेज और अरेबिडोप्सिस में ट्रिप्टोफैन इनडिपेंडेंट पाथवे भी देखा जाता है, बट समहाउ इसका उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं रहता है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे ही किसी भी दैट इज एग्जाम का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही फेवरेट एरिया बना रहता है, तो इसके बारे में आपको किसी बुक में भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा. तो हमारा जो मेन टॉपिक होगा दैट इज ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे कौन से होते हैं एंड कैसे कैसे रन करते हैं. तो देर इज टोटल 4 ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे फॉर दिस सिंथेसिस. टोटल 4 ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे हैं. पहले का नाम है IPA पाथवे, जिसे हम बोलते हैं इंडोल 3 पाइरुवेट. सेकेंड का नाम है ट्रिप्टामाइन पाथवे. थर्ड इज IAN पाथवे दैट इज इंडोल 3 एसीटोनाइट्राइल पाथवे. एंड द फोर्थ इज IAM पाथवे दैट इज इंडोल 3 एसीटामाइड. अब आप सोचोगे इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया है, तो ये जो नाम दिए गए हैं एक्चुअल में ये इंटरमीडिएट के कारण दिए गए हैं. अब आप जब ये पाथवे पढ़ोगे तो देखोगे कि ये सारे इंटरमीडिएट इसी पर्टिकुलर मतलब जो जो पाथवे चलेगा उस पाथवे में बनते हैं, एंड दैट इज वाई इनको ऐसा नाम दिया गया है. तो देख लेते हैं एक बार कि ये नाम कैसे सिग्निफाई होते हैं. तो यहाँ पे आप फर्स्ट देख सकते हैं दैट इज IPA पाथवे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले ट्रिप्टोफैन क्या करता है, ट्रिप्टोफैन का कन्वर्जन होता है इंडोल 3 पाइरुवेट में, और इंडोल 3 पाइरुवेट का ही शॉर्टकट में नाम है IPA पाथवे. अभी जो IPA पाथवे है ये IPA बनने का जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी अमाइनेशन रिएक्शन, और ये डी अमाइनेशन करवाने का काम करता है ट्रिप्टोफैन ट्रांस अमाइनेज. ठीक है, नेक्स्ट IPA बनने के बाद IPA कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड में, और इस कन्वर्जन के लिए जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं डी कार्बोक्सीलेशन, यानी CO2 का रिमूवल, और एंजाइम जो यूज होता है दैट इज डी कार्बोक्सीलेज. अब इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड में, और यही तो एग्जैक्ट नाम है ऑक्सिन को. हम साइंटिफिक बेसिस पे क्या नाम देते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड ही तो कहते हैं. और इस कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम हेल्प करता है दैट इज I3AA
डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और ये जो आईपीए पाथवे है, ऐसा अब आपके सामने यहाँ पे टोटल चार पाथवे हैं। तो ये चार पाथवे मतलब अलग अलग प्लांट स्पीसीज में देखे गए हैं, दैट इज वाई इनको आपके सामने रखा गया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक ले, ऐसा नहीं है सिर्फ ये वाला पाथवे आईपीए पाथवे सिर्फ टोमेटो में होता है, और भी प्लांट्स में होता है, बट मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा है कि आईपीए पाथवे मेनली टोमेटो में रन होता है। सेकेंड पे आते हैं ट्रिप्टामाइन पाथवे, ठीक है। ट्रिप्टामाइन का नाम ट्रिप्टामाइन क्यों है, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें भी कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनेगा, जैसे आईपीए में ये बना था। ट्रिप्टामाइन में क्या होता है, ट्रिप्टोफैन का पहले डी कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, इसके बाद ये कन्वर्ट होता है ट्रिप्टामाइन में, एंड दैट इज वाई दिस पाथवे इज नोन एज अ ट्रिप्टामाइन पाथवे। अब ये जो ट्रिप्टामाइन बना है इसका कन्वर्जन होता है फिर इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड में, और प्रोसेस जो हेल्प करता है दैट इज डी अमाइनेशन। इसके बाद इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ अ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एंड देन इसका कन्वर्जन हो जाता है ऑक्सिन में, दैट इज आईएए में। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले जब आईपीए पाथवे हम देख रहे थे तो यहाँ पे सबसे पहले डी अमाइनेशन रिएक्शन हो रहा था और यहाँ पे डी कार्बोक्सीलेशन, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले डी कार्बोक्सीलेशन हो रहा है फिर डी अमाइनेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि पहले यहाँ पे दैट इज आईपीए पाथवे में डी अमाइनेशन, इट इज फॉलोड बाय डी कार्बोक्सीलेशन, फाइन। और यहाँ पे क्या होता है ट्रिप्टामाइन में, दैट इज डी कार्बोक्सीलेशन, इट इज फॉलोड बाय डी अमाइनेशन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, और ये जो पाथवे होता है दैट इज ट्रिप्टामाइन पाथवे, ये भी टोमेटो में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आईएएन पाथवे के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन का कन्वर्जन इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल में हो जाता है, जिसे हम आईएएन कहते हैं। और इस पाथवे का नाम आईएएन क्यों पड़ा है, इसी वजह से पड़ा है क्योंकि इंटरमीडिएट का नाम आईएएन है। इसके बाद ये कन्वर्ट होता है आईएए में जो कि ऑक्सिन है, और ये कन्वर्जन होता है नाइट्रिलेज एंजाइम की हेल्प से। ये पाथवे आपको देखने को मिल सकता है ब्रासिकेसी फैमिली में, ग्रास फैमिली में एंड बनाना फैमिली में। नेक्स्ट फोर्थ हमारा पाथवे, तो थर्ड पाथवे था, फोर्थ पाथवे हमारे पास आता है आईएएम पाथवे। इसमें ट्रिप्टोफैन मोनोऑक्सीजिनेज एंजाइम की हेल्प से इंडोल 3 एसिटामाइड में चेंज होता है, एंड इंडोल 3 एसिटामाइड जो है इट विल कन्वर्ट इनटू आईएए। और ये पाथवे मेनली एग्रोबैक्टीरियम में देखने को मिलता है। अब आप सोचोगे एग्रोबैक्टीरियम में क्यों, बिकॉज अगर आपको याद हो तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर कॉज करता है और उसके पास भी ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के लिए जीन है, तो ये ऑक्सिन का सिंथेसिस कैसे करता होगा, इसी पाथवे से करता होगा। और आईएएम इस पाथवे का नाम इसलिए है क्योंकि इसका इंटरमीडिएट का नाम आईएएम है। तो इस ढंग से हमने देखा कि ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस कैसे हो सकता है। जिस स्टेप पे एंजाइम की ज़रूरत थी मैंने वही चीज़ मेंशन किया है, बिकॉज एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब वो पूछा नहीं जाना है तो लाइक इट हैज़ नो यूज़ की अनवांटेड दैट इज़ टॉपिक में हम अपना टाइम एंगेज करें, बिकॉज हमें गेट के लिए स्पेसिफिक बेसिस पे पढ़ना है। तो जितना इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया है दैट विल बी इनफ। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सिन का सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है। तो बेसिक्स के तौर पे कहें तो सबसे पहले जब सिग्नलिंग आ रही है तो वेरी ऑब्वियस वही चीज़ होती है कि लिगेंड होगा, रिसेप्टर होगा, इसके अलावा इनहिबिटर होगा और सिग्नलिंग पाथवे का कुछ नाम होगा। ये चार बेसिक चीज़ें होती हैं जब भी कोई भी आप सिग्नलिंग पढ़ो तो, और ये चार चीज़ें आपके दिमाग में भी अराइज होनी चाहिए, चाहे आप सेल सिग्नलिंग पढ़ रहे हो या किसी भी प्लांट की या फिर एनिमल के बॉडी के अंदर की सिग्नलिंग पढ़ रहे हो, कि उस सिग्नलिंग पाथवे का रिसेप्टर कौन है, लिगेंड कौन है, क्या कोई इनहिबिटर एग्जिस्ट करता है और पाथवे का नाम क्या है। तो ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे में जो रिसेप्टर होता है दैट इज़ अ सॉल्युबल रिसेप्टर, यानी सेल के अंदर पाया जाता है, सेल सरफेस पे नहीं पाया जाता है। इसका नाम है TIR1, फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1। तो रिसेप्टर का नाम हो गया TIR1। नेक्स्ट देखिए इनहिबिटर जो होता है इस पाथवे में, नाम देखिए क्या है, OX/IAA प्रोटीन। मेक श्योर ये जो बीच में स्लैश लगा है ये नॉर्मल वाला नहीं है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ए और बी ऐसे करके लिख देते हैं, मतलब या तो ए कंसीडर करो या तो बी कंसीडर करो, तो हम स्लैश का मीनिंग ये ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको लिखा ही ऐसे जाता है, ठीक है।
तो इनहिबिटर का नाम है OX/IAA प्रोटीन, और ये ऑक्सिन सिग्नलिंग है, तो वेरी ऑब्वियस लिगेंड कौन होगा, लिगेंड वेरी ऑब्वियस ऑक्सिन ही होगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑक्स आरई आता है, दैट इज ऑक्सिन रिस्पॉन्स जीन आता है, इस जीन का दैट इज ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जो जीन प्रोड्यूस होगा वो ऑक्सिन मीडिएटेड रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा प्लांट के अंदर। ARF नाम का एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से देखा जाएगा। और जो सिग्नलिंग पाथवे, इस सिग्नलिंग पाथवे को हम कहते हैं यूबिक्यूटिन 26S प्रोटियोलिसिस सिस्टम। अब इस सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि यूबिक्यूटिन नाम के कुछ छोटे छोटे से प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और ये यूबिक्यूटिन प्रोटियोलिसिस सिस्टम में एक मशीनरी होती है, जिसकी वजह से मान लीजिए ये एक प्रोटीन है जो कि यहाँ वहाँ घूम रहा है, ठीक है, और ये प्रोटीन क्या करता है, इस यूबिक्यूटिन से आकर टैग हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस प्रोटीन के ऊपर क्या हो गया, ये यूबिक्यूटिन आकर यहाँ पर टैग हो गए, पॉली यूबिक्यूटिनेशन होता है, मतलब बहुत सारे यूबिक्यूटिन आकर टैग हो जाते हैं। अब जब ये यूबिक्यूटिन इस प्रोटीन पर टैग हो जाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से इनका डेस्टिनी डिसाइड हो जाता है, और वो डेस्टिनी क्या है, दैट इज 26S नाम का एक प्रोटियोलिसिस सिस्टम होता है। अब नाम से पता चल रहा है प्रोटियोलिसिस सिस्टम यानी क्या करेगा, प्रोटीन का डिग्रेडेशन करेगा, सिंपल राइट। और 26S प्रोटियोलिसिस सिस्टम की खासियत क्या होती है कि ये सिर्फ उन्हीं प्रोटीन्स को पहचान सकता है जिसके पास यूबिक्यूटिन टैग लगा हो। इनके पास यूबिक्यूटिन टैग है, ये क्या करेंगे, ये 26S प्रोटियोसोमल मशीनरी में जाएंगे, मान लीजिए दिस इज अ मशीनरी, और यहाँ पे एंटर करेंगे, और उसके बाद इनको जो है दैट इज डिग्रेड कर दिया जाएगा। ओके, ये जो यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन था जिस पे यूबिक्यूटिन टैग लगा था, इसका डिग्रेडेशन हो गया, अब ये काम नहीं कर पाएगा, ये प्रोटीन काम नहीं कर पाएगा। तो इसी पाथवे को यूज करके ऑक्सिन जो है अपनी सिग्नलिंग को मीडिएट करता है, कैसे करता है जरा सा देख लेते हैं। तो आपके सामने ये मैंने पर्टिकुलर सिंप्लीफाइड बेसिस पे डायग्राम रखा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है प्लांट के अंदर, तो ARF जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ARF को इनहिबिटर जिसका नाम है OX/IAA, ARF को इनहिबिटर जो है दैट इज आप कह सकते हो इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बना के रखता है, और इसे हम कहते हैं इनएक्टिव हेटरोडाइमर, ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर हेटरोडाइमर, तो इन्होंने इनएक्टिव हेटरोडाइमर बनाया है। हेटरोडाइमर के बाद क्या होता है, इसके बाद ये तो ट्रांसक्रिप्शन कर नहीं सकता ना, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री नहीं है, वो इनहिबिटर के साथ बाइंड करके रखा है तो वो फ्री नहीं है, तो अब वो ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं कर सकता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता तो प्लांट में कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा, तो आप कह सकते हो नो रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन इनकेस अगर प्लांट में IAA प्रेजेंट है तो क्या होगा, अगर IAA प्रेजेंट है तो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, TIR1 के साथ बाइंड कर जाएगा। मेक श्योर ये सिर्फ IAA है, मतलब ये एक्चुअल में ऑक्सिन की ही बात हो रही है, ठीक है, ये ऑक्सिन की बात हो रही है। तो ऑक्सिन आया, उसने TIR1 के साथ बाइंड किया, और TIR1 क्या होता है, TIR1 ठहरा हमारा खुफिया आदमी, ठीक है, इसको हम कहते हैं खुफिया आदमी, क्योंकि एक्चुअल में TIR1 बिलोंग कर रहा होता है किस फैमिली से, इसी फैमिली से बिलोंग कर रहा होता है जिसका मेन काम होता है प्रोटीन को पकड़ के डिग्रेडेशन करवा देना उनके सर पे यूबिक्यूटिन टैग लगाकर। तो TIR1 को देखा गया है कि एक एफ बॉक्स नाम की फैमिली होती है, वो एफ बॉक्स फैमिली 26S प्रोटियोसोमल सिस्टम में भी काम करती है, वो एफ बॉक्स फैमिली का एक पार्ट होता है TIR, दैट इज TIR1, और कमाल की बात है ये कि यहाँ पे जो TIR1 है वो एफ बॉक्स फैमिली का भी पार्ट है एज वेल एज वो रिसेप्टर भी है। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर ये IAA TIR1 के साथ बाइंड करता है तो जल्दी से क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोटियोलिसिस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, यानी यूबिक्यूटिन लाइगेज नाम का एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। और यूबिक्यूटिन लाइगेज नाम का एंजाइम जो है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि टारगेट प्रोटीन पे यूबिक्यूटिन टैग ऐड करना। अब पाथवे को अगर आप देखते हो तो आपको क्या लगता है किसका एलिमिनेट होना जरूरी है, इसका, राइट, क्योंकि इनहिबिटर अगर इस पाथवे में रहा तो फिर तो ये पाथवे आगे चल नहीं पाएगा। तो क्या किया जाता है कि यूबिक्यूटिन लाइगेज जो है OX/IAA के दैट इज सरफेस पे यूबिक्यूटिन नाम के छोटे छोटे से प्रोटीन्स ऐड कर देता है,
देख सकते हैं आप यहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही प्रोटीन ऐड हुआ, पता है आपको कि क्या होगा, 26S प्रोटियोजोमल मशीनरी में इसको भेज दिया जाएगा और इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, डिग्रेडेशन हो गया। अब ये डिग्रेडेशन हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, आप तो यहाँ पे इनहिबिटर है नहीं, राइट, नो इनहिबिटर। अब इनहिबिटर नहीं है तो क्या होगा, इनहिबिटर नहीं है तो फिर एआरए फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्री। फ्री होने के बाद क्या करता है, वो डीएनए पे आता है, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन के लिए जो सेगमेंट होता है वहां पर आकर ये बाइंड करता है होमोडाइमर फॉर्म में, और बाइंड करने के बाद ये क्या करता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन में जीन्स को प्रोड्यूस करता है, ऐसे जीन्स जो कि प्लांट में ऑक्सिन मीडिएटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाएंगे। ठीक है, और एक ढंग से ये ऑक्स स्लैश आईएए नाम के प्रोटीन को भी प्रोड्यूस करता है, यानी आप ये कह सकते हो कि जो चीज़ इनहिबिट करी है ये उसको भी प्रोड्यूस करता है, मतलब सम हाउ यहाँ पे फीडबैक लूप भी चल रहा है। तो एक टाइम पे जब इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो इस पाथवे को फिर से रोक दिया जाता है और फिर से ये वापस से, दैट इज ये पाथवे चल पड़ेगा अगर फिर से ऑक्सिन प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में तो। लेकिन जो मेजर काम होता है इस पर्टिकुलर पाथवे का वो होता है ये कि ऑक्सिन से रिस्पॉन्स मीडिएट करवाना। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आप लोगों को सिग्नलिंग पाथवे जो है डन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा है, एंड दिस इज अ वे हाउ ऑक्सिन यूज टू एक्ट। और इसी सिग्नलिंग पाथवे से प्लांट को ऑक्सिन के लिए, दैट इज रिस्पॉन्स देने का मौका मिलता है, क्योंकि अर्ली जीन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो जीन्स जो है ऑक्सिन मीडिएटेड यानी ऑक्सिन की वजह से जो ग्रोथ होता है प्लांट में वो करवाती हैं। ओके, नेक्स्ट चला आता है हमारे पास ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऑक्सिन का मेजर एरिया कौन सा है, ये वाला शूट एपिकल एरिया, शूट एपिकल पोर्शन में सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है ऑक्सिन। लेकिन मैंने साथ साथ में आपको पहले ही स्लाइड में ये भी कहा कि थोड़े थोड़े से अमाउंट में ऑक्सिन लगभग पूरी ही बॉडी में प्रेजेंट रहता है प्लांट के, लेकिन जो मेजर एरिया होता है वो होता है शूट, और उसके बाद वाला जो एरिया होता है दैट इज रूट। तो हम कहते हैं ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में पोलर होता है। ठीक है, पोलर नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर, पोलर का मतलब होता है जिसकी पोलैरिटी डिसाइड हो, यानी जिसका डायरेक्शन डिसाइड हो। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ये बेसिपिटल भी होते हैं, एक्रोपिटल भी होते हैं। अब बेसिपिटल का मतलब क्या हुआ, बेसिपिटल का मतलब होता है टूवर्ड द बेस, यानी बेस पे आना। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एक्रोपिटल यानी टूवर्ड द एपेक्स। तो इस प्लांट के मीडियम से आपको ये बता के रखा है कि टोटल तीन एरिया है। ठीक है, एरिया वन, एरिया टू एंड एरिया थ्री। ऑल दो मेजर जो सिंथेसिस होता है ऑक्सिन का वो एपिकल एरिया में होता है, शूट एपिकल एरिया में होता है, माइनर बेसिस पे रूट एपेक्स में भी होता है एज वेल एज बेस में भी होता है। बेसल एरिया कौन सा है, ये रहा बेस एरिया। इसको बेसल क्यों कहते हैं, बिकॉज ये बेस है, यहाँ से डाउनवर्ड साइड में अगर कोई चीज मूव करती है तो वो रूट, रूट वाला एरिया जोन शुरू हो जाएगा, और ऊपर वाला जो एरिया है वो शूट जोन होगा। तो मतलब ये ट्रांजिशन जोन है, ऑब्लिक ये जंक्शन है, इसी को हम बेस कहते हैं। तो एक्चुअल में इस डायग्राम के थ्रू ये बता रखा है कि टोटल तीन जगह पे हम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेकर चल रहे हैं, एक तो दैट इज शूट एरिया में, ठीक है, एक यहाँ बेस एरिया में और एक रूट एरिया में। तो जहां पे सिंथेसिस हो, ठीक है, जहां भी जैसे कि शूट एरिया में है, तो अब शूट से तो और ऊपर नहीं जा सकता ना, शूट इज द हाईएस्ट पॉइंट, राइट, तो शूट से तो अब ऊपर नहीं जा सकता। जब शूट से ऊपर नहीं जा सकता तो वी कैन से कि यस, अगर शूट से ऊपर नहीं जाएगा मतलब कि वो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आएगा तो वी कैन से कि जब नीचे आ रहा है किसकी तरफ आ रहा है, बेस की तरफ आ रहा है, तो हम इसे कह देते हैं दैट इज इट इज अ बेसिपिटल, बेस की तरफ आ रहा है। और रूट एरिया में अभी अगर सिंथेसिस हो रहा है तो रूट एरिया से और नीचे तो जाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बेस तो इसी का नाम है ना, जो ये जंक्शन है ये वाला एरिया, इसी का नाम बेस है। तो ये रूट एरिया से भी अगर ऑक्सिन का सिंथेसिस हुआ है और वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो बेस एरिया में पहुंच सकता है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, दैट इज बेसिपिटल ही कहेंगे। अब बात आती है फिर एक्रोपिटल क्या है, तो देखिए शूट से ऊपर और कोई चीज जा नहीं सकती है, और रूट से, दैट इज रूट वाला एरिया, एपिकल मतलब पोर्शन क्या हो गया, एपिकल पोर्शन मतलब कि बहुत जो एपेक्स पे होगा, ठीक है,
तो एक्रोपिटल का मतलब हो गया दैट इज एपेक्स। अब एपेक्स का मतलब क्या हो गया, एपेक्स दो होता है। अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे एपेक्स की जब हम बात करते हैं तो या तो ये शूट एपेक्स होता है, शूट एपेक्स, या तो ये होता है रूट एपेक्स। अब इसी से आप ये चीज समझ गए कि यानी एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एपेक्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होना, आइदर टू शूट एपेक्स आइदर रूट एपेक्स। यानी कोई चीज रूट की तरफ आएगी, रूट की तरफ यानी ऑक्सीजन रूट की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा, और ऑक्सीजन अगर रूट की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है मतलब वो ऑक्सीजन कहीं और से सिंथेसाइज होकर आ रहा है। तो वो ऑक्सीजन क्या होता है, वो ऑक्सीजन मेनली बेस एरिया से सिंथेसिस होकर पहुंचता है कहाँ पे, दैट इज रूट एरिया में। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दैट इज एक्रोपेटल। आप डायग्राम में देख सकते हैं बेस एरिया से जब ये रूट एरिया की तरफ आ रहा है तो हम इसे बोलते हैं एक्रोपेटल। और यही बेस एरिया से, अब बेस एरिया से और कौन सा एक्रोपेटल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, दैट इज शूट एरिया। शूट एरिया भी क्या होगा, एपेक्स ही तो होगा। तो अगर ये बेस एरिया से ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है शूट में तो हम इसे बोलेंगे दैट इज एक्रोपेटल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पोलर ट्रांसपोर्ट का मतलब ही होता है जिसकी पोलारिटी डिसाइड हो। मेनली जो बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट होता है हम उसको पोलर ट्रांसपोर्ट की तरह कंसीडर कर लेते हैं, यानी जिसकी पोलारिटी डिसाइड हो। लेकिन एक जनरल बेसिस पे कहें तो ट्रांसपोर्ट बेसिपिटल भी हो सकता है, एक्रोपिटल भी हो सकता है। बेसिपिटल यानी टूवर्ड द बेस, और बेस की बात करें तो रूट से भी बेस की तरफ जाएगा, शूट से भी बेस की तरफ जाएगा, और एक्रोपिटल हो गया मतलब टूवर्ड द एपेक्स। और इस ढंग से हम कह सकते हैं कि यस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस ढंग से मीडिएट होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बातें इतनी ही नहीं खत्म हो जाती हैं, यहाँ पे कुछ सिग्नलिंग चलती है, ऑब्लिक आप कह सकते हो मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के टोटल दो फॉर्म पाए जाते हैं, एक होता है IAAH। अब हमने जो है थोड़ी बहुत तो केमिस्ट्री पढ़ी ही होगी सबने, राइट। IAA ऑक्सीजन है, एच लग गया है मतलब प्रोटोन ऐड हो गया है, तो हम इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन क्योंकि इसके पास प्रोटोन है। ठीक है, सो IAAH, IAAH क्या है, इट इज अ लाइपोफिलिक जो कि लगभग 25% अमाउंट में पाया जाता है, और ये डिफ्यूज कर सकता है पैसिवली थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। फिर आता है IAA-, IAA- क्या है, ये आयोनिक फॉर्म है, और इसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इट इज अ चार्ज आयन, और आपको पता है चार्ज आयन इतनी आसानी से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास ऑन नहीं होते हैं। तो इसको पास करने के लिए, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल के अंदर हम एक सिंपोर्टर को यूज करते हैं जो कि कैरियर प्रोटीन भी कह सकते हो आप, और इस सिंपोर्टर का नाम है दैट इज OX1, या फिर आप इसे लैक्स भी कह सकते हो। ठीक है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज करता है। इसके अलावा एक एरिया आता है जिसे हम बोलते हैं एपोप्लास्ट, मैं आपको शेड कर देती हूँ, ये जो एरिया है बाहर वाला इसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट का पीएच मेनली 5 से 5.6 तक रहता है, यानी आप कह सकते हो इट इज एसिडिक। और सिम्प्लास्ट वाला एरिया मतलब कि ये वाला एरिया, दिस इज अ सिम्प्लास्ट जिसमें कि साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व हो जाता है। तो सिम्प्लास्ट वाले एरिया का पीएच कितना है, इसका पीएच होता है 7 जो कि हो गया न्यूट्रल। इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं कि एपोप्लास्ट में पीएच कैसा होता है, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, सिम्प्लास्ट में पीएच कैसा होता है। ठीक है, साइटोसोल के अंदर यानी यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, साइटोसोल के अंदर सबसे हाईएस्ट अमाउंट जो देखने को मिलता है, अबंडेंट फॉर्म आप कह सकते हो, वो होता है IAA-Na₂। और एपोप्लास्टिक एरिया में आपको, यानी ये वाला एरिया में आपको IAAH एंड IAA- दोनों ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रहा सेल वॉल और ये रहा साइटोसोल, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पंप पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं H+ATPase पंप। इस पंप का दैट इज रोल क्या है ये भी हम देख लेंगे। इसके अलावा एक इफ्लक्स प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं PIN1, और इसका लोकेशन क्या होता है, बेसल एंड, यानी अगर कोई सेल आप बनाते हो तो बेस एरिया में ये देख सकते हैं, ये जो रेड कलर में दिखा के रखा है दिस इज अ PIN1, ये जो है यहाँ पे ये सब PIN1 है। ठीक है,
इनफ्लक्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी एक्टिव एंड पैसिव बोथ. जो इनफ्लक्स होता है मतलब ऑक्सीजन की जो एंट्री होती है वो दैट इज एक्टिव एंड पैसिव दोनों ही हो सकती है, लेकिन इफ्लक्स ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम टाइम दे आर एक्टिव प्रोसेस. तो हम जरा सा समझ लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है. ठीक है, सबसे पहले ये सेल देख रहे हैं आप, राइट. इमेजिन आपको क्या करना है कि मान लीजिए दिस इज अ प्लांट, ठीक है, और ये रहा उसका स्टेम. हमने क्या किया है, इतने स्टेम वाले एरिया को आपके सामने ऐसे करके जूम कर दिया है. ठीक है, सपोज कर लीजिए दिस इज अ जूम एरिया, स्टेम वाले एरिया का. यहीं पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो आपको पता है हाइयर अमाउंट में ऑक्सीजन कहाँ से चलेगा, दैट इज फ्रॉम द वेरी अबव पार्ट, एपिकल पार्ट से, बिकॉज दैट इज अ मोस्ट अबंडेंट एरिया. तो हम इसको स्टडी करने के लिए जितने भी हमने बेसिपिटल एक्रोपिटल पढ़े हैं सबको कंसिडर नहीं करते हैं. जैसे मैंने कहा जो मैक्सिमम एरिया होता है दैट इज शूट एपिकल. अब शूट एपिकल यानी अगर यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है ऑक्सीजन तो उसको नीचे आना पड़ेगा. तो हम ट्रांसपोर्ट में यही वाला एक्शन बस पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है. तो देखिए अगर एपिकल, ये पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ, डायग्राम का पूरा थोड़ा आउटलाइन समझा देती हूँ. दिस इज अ ओवरऑल सेल, बाहरी वाला ये वाला एरिया दैट इज योर सेल वॉल है. ठीक है, सेल वॉल वाला ये वाला एरिया है, ये है इंटरसेलुलर स्पेस हो गया. इसके बाद ये रहा दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऑरेंज वाला दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप देख सकते हैं ये. इसके अलावा अंदर ये वाला पोर्शन हो गया साइटोसॉल एंड ओके लेट मी टेक द हाई लेजर पेन. ओके, तो ये वाला एरिया हो गया दैट इज द साइटोसॉल. ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो दिस इज वॉट, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये वाला एपोप्लास्टिक एरिया हो गया. तो ये इसे हम कहते हैं, ये वाले पोर्शन को हम कहते हैं एपोप्लास्टिक एरिया, इसको हम बोलते हैं सिम प्लास्टिक एरिया, सिम साइटोप्लाज्म, सिम साइटोप्लाज्म. तो ये याद रखिएगा, सिमिलर साउंड करते हैं. सिम प्लास्टिक एरिया का मतलब भी होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम साइटोप्लाज्म की बात करें. और एपोप्लास्टिक एरिया वाला, एपोप्लास्टिक एरिया कौन सा हो गया, ये एरिया हो गया जिसे हम मेनली इंटरसेलुलर स्पेस के नाम से भी जानते हैं. तो ये हो गई चीजें. ठीक है, इसके अलावा जो मेन चीज है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. हमने ये कहा कि एपोप्लास्टिक एरिया में पीएच कितना होता है, एपोप्लास्टिक एरिया में पीएच होता है एसिडिक, दैट इज 5 ले लीजिए, 5.6 ले लीजिए. ठीक है, एंड दैट इज साइटोप्लाज्म में या फिर दैट इज योर सिम्प्लास्ट के अंदर पीएच होता है 7, दैट इज न्यूट्रल. एपोप्लास्टिक एरिया में दोनों टाइप के ऑक्सीजन पाए जाते हैं, दैट इज प्रोटोनेटेड एंड डी प्रोटोनेटेड. दिस इज अ डी प्रोटोनेटेड क्योंकि इसका प्रोटोन निकल गया है, डी मतलब डीएक्टिवेट हो गया, हट गया है. तो ये डी प्रोटोनेटेड, तो यहाँ प्रोटोनेटेड एंड डी प्रोटोनेटेड दोनों ही पाए जाते हैं. पहले हम बात करते हैं प्रोटोनेटेड के बारे में. यहाँ जो IAAH है, ठीक है, आज बिकॉज इट इज अ लाइपोफिलिक, तो आपको पता है लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल इजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और इसके पास कैपेबिलिटी है पैसिवली डिफ्यूज करने की, बिकॉज इसके पास इसका कंसंट्रेशन एपोप्लास्टिक एरिया में अच्छा खासा होता है. दैट इज वाई ये अपने कंसंट्रेशन के अलॉन्ग मूव करता है और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ईजिली डिफ्यूज कर चला आता है दैट इज सिम प्लास्टिक एरिया में. ठीक है, तो ये तो यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन IAAH यहाँ पे दैट इज प्रोटोनेटेड फॉर्म में रह नहीं पाता है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पीएच, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये डी प्रोटोनेटेड हो जाता है, अपना H प्लस आयन लूज कर देता है. लेकिन ये जो रिएक्शन है ये दैट इज योर रिवर्सिबल होती है, इंटरचेंज हो सकती है आपस में. लेकिन सिम प्लास्टिक एरिया में जितने भी आपको ऑक्सीजन मिलेंगे सब डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में मिलेंगे, यानी ये वाले फॉर्म में मैक्सिमम मिलेंगे आपको, IAAH के फॉर्म में आपको ज़्यादा मिलेंगे. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये हो गई सिम प्लास्ट की कहानी. अब आते हैं कि IAAH तो चलिए पैसिवली डिफ्यूज कर गया. अब अगर हम बात करते हैं IAA- की, तो एज बिकॉज दिस इज अ चार्ज मॉलिक्यूल नॉर्मली तो एंटर नहीं कर सकता, तो क्या करेगा ये हेल्प लेता है किसका, दैट इज सिम पोर्टर का. ठीक है, अब सिम पोर्टर क्या होते हैं, सिम पोर्टर को ट्रांसपोर्टर होते हैं, मतलब दो चीजों को एक साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं, और सिम पोर्टर का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है IAA- एंड 2H प्लस आयन यानी प्रोटोन को दोनों को एक साथ जो है दैट इज साइटोप्लाज्म के अंदर भेजा जाता है और यहाँ पे ATP का इन्वॉल्वमेंट होता है बिकॉज इट इज अ पंप सॉरी इट इज अ कैरियर प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन जो है दैट इज यहाँ पे आयोनिक फॉर्म को अंदर लेकर आ रहा है तो यहाँ पे ये ATP को यूटिलाइज करेगा.
अब यहाँ पे जो H प्लस आयन आया है और आइए माइनस आया, तो ये तो अंदर पहुँच गया है, लेकिन वॉट अबाउट द H प्लस आयन? H प्लस आयन का तो अंदर काम ही नहीं है, ये तो इसलिए आया था ताकि इस इम्पोर्टर के थ्रू इसकी हेल्प कर सके, आइए माइनस को अंदर पहुँचा सके। तो अब ये जो H प्लस आयन आया है उसको भी तो बाहर जाना पड़ेगा, तो इसी H प्लस आयन को बाहर ले जाने के लिए कौन हेल्प करता है? दैट इज ये हमारा, ये जो ATPase पंप यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको कि हमने कहा था H प्लस ATPase पंप, ये पंप के थ्रू ये वापस से पंप कर दिया जाता है बाहर एपोप्लास्टिक एरिया में। और दैट इज़ वाई एपोप्लास्टिक एरिया का pH 5 होता है, क्योंकि आपको पता है H प्लस आयन जो है एसिडिक नेचर प्रोवाइड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, अगर वहाँ पे वो ज़्यादा प्रेजेंट रहे। दैट इज़ वाई यहाँ पे एपोप्लास्टिक एरिया का pH 5 देखा जाता है, और सिम्प्लास्टिक एरिया का pH 7 होता है, बिकॉज H प्लस आयन जो भी आ रहा है वो तो बाहर चला जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो अभी तक क्या क्या हुआ है, आई ए एच अंदर आया है जो कि ब्रेक होके आई ए माइनस ही बन गया है। सेकेंड, आई ए माइनस भी यहाँ पर ट्रैवल होके आया है और कुछ यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पे फॉर्म है ऑक्सीजन का, ये सिर्फ यहीं तो नहीं रहेगा ना, इसको तो नीचे आना है, ऊपर से चला है ये, अब इसको नीचे नीचे आना है तो ट्रैवल करना है तो अपने टारगेट ऑर्गन में, तो इसको और नीचे जाना पड़ेगा। अब ये सेल के अंदर आ चुका है, ये तो वहाँ पर लॉक हो चुका है और ये है आयोनिक फॉर्म में, तो बाहर कैसे निकलेगा? राइट, बाहर कैसे निकलेगा? तो क्या करेगा बाहर निकलने के लिए, वो एक ट्रांसपोर्टर की हेल्प लेता है जिसका नाम होता है पिन 1। पिन 1 प्रोटीन की ये हेल्प लेता है। पिन 1 प्रोटीन जो होता है बेसल एरिया में प्रेजेंट है, बेस में प्रेजेंट रहता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई ए माइनस जो है दैट इज यहाँ पे साइटोसोलिक एरिया को छोड़ के एपोप्लास्टिक एरिया में आता है और वापस से एक सेल में फिर से एंटर करने को रेडी रहता है, पूरा यही प्रोसेस यूज करके। और इस तरीके से जो ऑक्सीजन यहाँ से चला था वो धीरे धीरे करके जो है दैट इज प्लांट में पूरा, दैट इज टू द बेस एरिया पहुँच जाता है, या जिस भी एरिया में, बेसल एरिया में ही या पोलर एरिया में ही जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस ढंग से हमने देखा कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ। जो बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो हमने सिम्पोर्टर यूज़ किया, दिस इज़ अ वेरी जनरल नेम, इसका स्पेसिफिक नाम क्या है? ऑक्स 1 एंड लैक्स 1। ओके, लेट मी टेक द हाइलाइटर, दैट इज इसका नाम है ऑक्स 1 एंड लैक्स 1, और जो बेसल एरिया में प्रोटीन है इसका नाम है पिन 1। ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है लाइपोफिलिक होता है नेचर में, और IAH आयोनिक होता है, जिसकी वजह से इसको सिम्पोर्टर की ज़रूरत पड़ती है। और pH के मामले में एपोप्लास्टिक एरिया का pH 5 से 5.6 होता है, जो कि एसिडिक है, और सिम्प्लास्ट में इट इज़ न्यूट्रल। अगले वीडियो में हम कुछ म्यूटेशन केस के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग द ऑक्सीजन, और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीजन फंक्शन कैसे करता है। ओके।